दोस्तों, अगर आप लोग भी गाना एप्लीकेशन के किसी भी सॉन्ग को एज अ कॉलर ट्यून सेट करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि गाना एप्लीकेशन में अभी फ़िलहाल ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसकी मदद से हम लोग इसे आपके फेवरेट गाने को जो है रिंगटोन सेट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक अनऑफिशियल तरीका बताता हूँ जिसकी मदद से आप बिल्कुल फ्री में जो है आपका फेवरेट रिंगटोन सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये ट्रिक किसी भी डिवाइस पर वर्क करेगी, और यहाँ पर आपको सिर्फ गाना एप्लीकेशन की नहीं, आप किसी भी गाने को जो है अपना कॉलर ट्यून बिल्कुल फ्री में सेट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउज़र खोल लेना है, और यहाँ पर आपको लिख देना है आपके सॉन्ग का नाम। तो मैं यहाँ पर ऑन माई वे मेरा सॉन्ग का नाम है, तो मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ। और लिखने के बाद आपको इसके आगे लिख देना है रिंग टोन डाउनलोड। आप लोग देख सकते हैं सजेशन में भी दिखा रहा है, तो मैं यहाँ से रिंगटोन डाउनलोड लिख देता हूँ। लिखने के बाद आपको इसको सर्च कर लेना है, और सर्च करने के बाद आपको ऐसे कई वेबसाइट दिखाई रही होंगी, तो आप किसी भी वेबसाइट को ओपन कर लेना। अगर एक वर्क नहीं करता तो आप दूसरी वेबसाइट ओपन करके ज़रूर देख लेना। तो मैं यहाँ से पहली वाली वेबसाइट ही ओपन कर लेता हूँ, और ओपन करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर नीचे एक आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा डाउनलोड MP3 करके। तो सिंपली इस पर टैप कर देते हैं, और टैप करने के बाद आप लोग यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक कर देना। जैसे आप लोग डाउनलोड करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं आपकी सॉन्ग जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो आपको इसका नाम जो है वो याद रख लेना है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर डाउनलोड्स में जाकर आपको इसका नाम एक बार याद रख लेना, आप इसका नाम जो है ऑन माई वे है ऐसे करके। और जब आपका सॉन्ग डाउनलोड हो जाए तो सिंपली आपको सेटिंग्स में चले जाना है, और नॉर्मली जैसे आप कोई भी रिंगटोन सेट करते हैं तो उसे वैसे ही सेट कर देना है। अगर आपको नहीं आता तो आप लोग एक गूगल पर सर्च करके भी देख सकते हैं, हर डिवाइस में अलग होगा लेकिन ज़्यादातर डिवाइस में सेम ही होता है। तो सिंपली आपको यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन में चले जाना है, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा रिंगटोन करके। सिंपली आपको इस पर टैप करना है, और यहाँ पर सिलेक्ट फ्रॉम फाइल्स कर देना है। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, तो यहाँ पर से सिंपली आपको आपके सॉन्ग का नाम सर्च कर लेना है, और यहाँ पर इस पर सिलेक्ट कर देना है, और बैक जाकर ये अपने आप ही सेव हो जाता है।